नहीं बताया था। जब यहाँ तुम क्या लिखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखोगे, देखो तो
hat is equal to calculate 2 if 2 v cos beta upon calculate g cos theta sahi hai are yahi hoga na isme koi doubt nahi hai na yahi time applied hoga na ye bataya hua hai pehle se uske baad mujhe kya karna hai dekho idhar iska velocity jo hoga hai kya hoga v cos beta और इधर क्या आ जाएगा v sin ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया इधर a इक्वल टू क्या होगा प्लस g sin थीटा और टाइम दिया हुआ है मुझे x कैलकुलेट करना है ठीक है डायरेक्ट लिखे अब देखो x इक्वल टू क्या लिखेंगे v sin थीटा सॉरी sin थीटा नहीं sin बीटा थीटा गलत लिख दिया sin बीटा t T F plus half g sin theta T F plus सही है यही होगा ना अब यहाँ से x is equal to T F common लेता हूँ तो b sin theta ठीक है plus 1/2 g sin theta into क्या होगा T F और into ठीक है पूरा नहीं है ना इसमें x इक्वल टू साइन बीटा देखो यहाँ से जन्म से टैन बीटा मालूम है तो साइन बीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा ठीक है समझ में आया क्या अरे आ जाएगा ना v का वैल्यू भी हम रख सकते हैं यहाँ तो v वैल्यू का कोई दूसरे को क्या होगा v है ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है इनटू साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ यहां से एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो साइन थीटा अपॉन क्या होगा ई कॉस थीटा सही है तो साइन बीटा कितना होगा बता सकते हो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा अपॉन ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ये लिख रहा हूं प्लस कितना होगा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सही लिखा क्या अरे समझ में आया ना मैंने डायरेक्ट लिख दिया अरे टैन बीटा इक्वल टू दिस है ई क्या हो जाएगा पी और दिस इज बी पी अपॉन बी समझ में आया है ये डायरेक्ट लिख दिया ये वैल्यू हम वहां रख सकते हैं ठीक है समझ में आया क्या तो ये बात हम वैल्यू रखते हैं अभी रख देते हैं ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा साइन कहीं गलत लिख रहा हूँ तो देख लेना ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस क्या ये समझ में आया नहीं भी आया होगा तो तुम लोग रख जाना और अब बेसिक नाइन क्लास का मैं 1/2 जी साइन थीटा इनटू देखो यहाँ से टू ई कॉस थीटा अपॉन क्या होगा जी कॉस थीटा ठीक है ना एम टू लेकिन वैल्यू तो अपना शायद आएगा देख लेना तुम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो ठीक है टू डी कॉस थीटा अपॉन जी कॉस ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो विनर साइन थीटा यहाँ भी देखो दोनों का वैल्यू रखोगे तो ठीक है और यहाँ एक बचेगा तो शायद आएगा समझ में आया क्या यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर लेना ठीक है कॉस बीटा भी मैं लिख दूँ कॉस बीटा कितना हो जाएगा बता सकते हो यहाँ कॉस बीटा इज इक्वल टू ई कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर सही है ये वैल्यू रखो और देखो कितना आ रहा है जल्दी लिखो अभी मेरे का सॉल्व भी बताते हैं जल्दी लिखो
अरे हाफ ही है, अभी हमने इधर सब लिख दिया हूँ, वैल्यू रख दो आंसर आएगा। ठीक है, सबका वैल्यू हमने बीटा भी सबका वैल्यू लिख दिया है। भी देखो इधर यहाँ है कि कैसे आता है, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ई कैसे आता है, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ई भी कैसे लिखते हैं, हमने मैंने कल बताया था तुम लोगों को। उसके बाद ई कैसे आता है, ये भी तुम लोगों को मालूम है, सब मालूम है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं आता है। ठीक है, अभी तक जिसको सॉल्व करना होगा एक्सी वर्मा मोस्टली सॉल्व कर लिया होगा, उसको डाउट भी होगा सर, लेकिन तुम लोग तो इतने ग्रेट हो कि तुम लोग पास टाइम ही नहीं है। तो तुम लोग इतना लंबा कैलकुलेशन देख करके डर गए होंगे कि अरे इसके बाद उतना यार कौन करेगा। समझ में आया क्या? नहीं, कैंसिल भी हो जाएगा। देखो भी चेक कर सकते हो, एक्स इक्वल टू कितना आया, ये इनर इनर साइन थीटा प्लस, देखो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और बी कॉस बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, जी कॉस बीटा बाई कॉस थीटा, तो देखो कितना आएगा, इनर डी टू ई, तो इनर डी साइन थीटा। ठीक है, सही आ गया सर। ये कितना आएगा, टेन इनटू है ना, तो इनर कॉस थीटा बाइस ए, इनर कॉस थीटा बाइस इनर इनटू यहाँ लिखो टू इनर ई अपॉन जी स्क्वायर नहीं आएगा क्या? देखो ये कितना होगा, मीटर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन टू मीटर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी इनटू वन प्लस। ठीक है, और मीटर स्क्वायर का वैल्यू रखो तो टू जी एच आएगा ना, तो कितना होगा, तो एच साइन थीटा इनटू वन प्लस एच आएगा सर। ठीक है, हो गया ये, दोनों का साथ इतना ही आया था ना, ऐसे देखे थे क्या, इधर नहीं था क्या? नहीं, यही आंसर आया है, इसको रट जाना है ना, रट जाओ इसको, ये रट जाना है ना। अरे फोर साइन थीटा इनटू ई, यही आ रहा है ना, नहीं फोर साइन एक्स, फोर साइन थीटा, फोर एक्स साइन थीटा इनटू वन प्लस ई, और ई कहाँ आ रहा है भाई, ये आ रहा है ई। अच्छा हाँ, सही है, फोर एक्स ई साइन। हाउ मैनी
मैं जब सॉल्व कर रहा होगा वो क्रॉस चेक करता हूँ मैं कि भाई मिस्टेक से देखो उसमें भी ई इक्वल टू मान रखोगे तो आंसर आता है लेकिन मैं क्रॉस चेक करता हूँ ऊपर देखो वेज है इसका मास क्या है कैपिटल एम दिया हुआ है ठीक है यहाँ से कोई बॉल इसका मास क्या है स्मॉल एम है वो रिलीज किया जाता है और यहाँ याद करने के आपका कोलाइड होगा और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोलाइड होने के बाद ये होरिजेंटली होगा क्वेश्चन समझ में आया क्या ठीक है ये हाइट हम कंसिडर कर लेते हैं एच ये एंगल थीटा ठीक है यदि कोलिजन क्या है इनइलास्टिक है तुमको क्या क्या फाइंड आउट करना है एक और क्वेश्चन लिख लो अभी मूव नहीं ये मूव करेगा ठीक है अभी तक हमने क्या माना था ये रुका हुआ है अभी हम इसको मूव कराएंगे और इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो एक इंपल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम यूज करके और एक कोलिजन का मास एक्सेलरेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक है तो लिखो पहले क्वेश्चन लिखो ये बॉल ऑफ मास एंड्स ball of mass m is released from height h as shown in the figure as shown in the figure if ball collide inelastically with waves and after collision horizontally then find क्या क्या find out करना है velocity को बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं है ना अब तुमसे चलो मैं बाद में पूछता हूँ लिखो then find velocity of ball as well as wedge wedge इसको हम क्या बोलते हैं wedge velocity of ball as well as wedge just after collision ठीक है ये first question हुआ second question लिखो coefficient of restitution e ठीक है उसके बाद लिखो impulse on m small m लिखना या impulse on ball during collision as well as impulse on wedge due to ground during the collision impulse समझ में आया ना जी ठीक है the
सरफेस क्या है, स्मूथ हमने कंसीडर कर लिया, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। देखो सबसे पहले काम क्या करना है तुमको, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। क्या क्या ढूंढना है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। क्या क्या ढूंढना है पहले तुमको, लाइन ऑफ इफेक्ट। एक क्वेश्चन में दिया होगा, देखो तो यही क्या है कॉमन नॉर्मल, यही होगा क्या, यही होगा ना, तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, लाइन ऑफ इफेक्ट, ठीक है। देखो ये एंगल थीटा आया तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। मैंने ये मान लिया कि जस्ट आफ्टर कोलिजन ये इधर किस वेलोसिटी से, वी की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये इधर, अरे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ना वेज है, ये किस वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, इवन वेलोसिटी से, ठीक है। ये दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यदि नहीं दिया होता तो हम क्या करते, तब क्या करते, तब हम यहां से वाला, तब क्या दिया रहता, ई दिया हुआ, तब यहां से थीटा है तो बीटा एंगल पे जाएगा, और फिर हम वैसे सोचते, समझ में आया ना। वैसे भी हम सोच सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया, मैं बाद में बताता हूँ, कल ये समझ जाओ, एक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो कि जस्ट आपका कोलिजन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, समझ में आया ना। तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ से कुछ एंगल पे क्या होगा, रिवॉल्व होगा, वो एंगल बीटा होगा, और बीटा अगर कैसे लिखेंगे, टैन बीटा इज इक्वल टू क्या, वैलिड होगा क्या, टैन बीटा और ये वैलिड नहीं होगा, तब ये कब होगा, तभी क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, समझ में आया ना। देखो अभी हम प्रूफ करेंगे इसको भी, समझ में आया क्या, क्योंकि तो अभी हम नहीं मान रहे हैं, ये दिया हुआ है कि वो जनरली क्या है, मूव कर रहा है। तो देखो जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ये मिनट हो गया, मिनट कितना, अंडर रूट 2gh, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या है। अब तुम देखो यहाँ, तुमसे मैं बोलूँ कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, इस बॉल और वेज को लेकर सिस्टम कंसीडर कर लें तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा है, ये कल पढ़े होगा तुम लोग, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा, होगा, अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, ऐसे रट कर के थोड़ी बोल रहा है कि हो जाएगा और नहीं हो जाएगा, हो जाएगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तब समझ में आएगा ना। देखो इंपल्स कहाँ कहाँ लग रहा है पहले देखो, यदि हम ध्यान देना तो तुमसे मैं पूछूंगी, यहाँ ये नॉर्मल, यहाँ इस जगह नॉर्मल फोर्स लगेगा यार, अरे लगेगा ना, ये कॉन्टेक्ट में है ना, ये नॉर्मल फोर्स यहाँ इंपल्सिव होगा या नहीं होगा, ये कैसे किसे होगा या नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ इंपल्सिव होगा, यहाँ तो होगा ही, यहाँ भी क्या होगा, इंपल्सिव होगा, और तभी तो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, यार ध्यान से पढ़ो, इंपल्स दिया हुआ है क्या, ये नहीं भी दिया हुआ होता तो यार स्टूडेंट है कि यहाँ क्या होगा, तुम यहाँ से देखोगे इधर नॉर्मल इधर रहेगा ना यार, समझ में आया ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे इस नॉर्मल के, एक यदि ये नॉर्मल इंपल्सिव होगा तो यहाँ भी नॉर्मल क्या होगा, इंपल्सिव होगा, और ये नॉर्मल इंपल्सिव है, इसका मतलब यदि यहाँ फ्रिक्शन होता तो भी क्या होगा, ये कब पढ़ाया हुआ याद आया, जब इंपल्सिव फोर्स पढ़ा रहा था, जहाँ नॉर्मल इंपल्सिव होगा उस जगह फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, इंपल्सिव मेजर का होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं यदि मैं इस दोनों को बॉल और वेज को सिस्टम माने तो यहाँ इंपल्स लग रहा है, लेकिन वो इंपल्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इंपल्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम जो होगा सिस्टम का क्या होगा, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम कितना होगा बता सकते हो यहाँ से, देखो जस्ट बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम क्या है, अरे जीरो है क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग यार, एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब, देखो तो इधर है ना यार लीनियर मोमेंटम, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा क्या, ठीक है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है, जीरो है, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसका मतलब
देखो क्या होगा, एम वी टू प्लस स्मॉल एम वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसको यदि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूँ, इधर इधर प्लस मान लूँ, ये क्या होगा यार, माइनस होगा। यहाँ लिख सकते हैं एम माइनस वी टू प्लस क्या हो जाएगा, एम वी वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से तुमको एम वी टू इज इक्वल टू स्मॉल एम वी वन एक रिलेशन क्या होगा, ठीक है। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर नॉर्मलाइजेशन, सिंपल। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, एक कॉमन टेंजेंट है, नहीं है ना, कॉमन टेंजेंट कोई डाउट नहीं है ना, कॉमन टेंजेंट दिया हो। देखो तो कॉमन टेंजेंट के अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। कॉमन टेंजेंट के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना कोलिजन के पहले इस वेज का और इस बॉल का लीनियर मोमेंटम इधर होगा उतना ही क्या होगा बाद में, समझ में आया क्या। तो बॉल का लीनियर मोमेंटम इसके अलावा कितना होगा कोलिजन के पहले, लीनियर मोमेंटम ऑफ क्या होगा बॉल, ठीक है। जस्ट बिफोर कोलिजन कितना होगा बताओ, ये थीटा है, इसका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा एम डीनर साइन थीटा, सही है। जस्ट आफ्टर क्या होगा, देखो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा एम डी इक्वल कॉस, ये दोनों इक्वल होगा क्या, ये भी बता था ना, इसकी क्रॉस फोर्स नहीं, इसके अलाउड फोर्स नहीं लग रहा है ना यार, सही है। इस बॉल पे कॉमन टेंजेंट के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इस बॉल का लीनियर मोमेंटम जो होगा इंडिविजुअली क्या होगा कांस्टेंट होगा, जितना कोलिजन के पहले होगा उतना ही क्या होगा कोलिजन के बाद में होगा, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, एसेंस इंपल्स एक्टिंग ऑन क्या होगा, एक्टिंग ऑन बॉल अलोंग कॉमन टेंजेंट इज क्या होगा जीरो, एंड्स एंड्स क्या लिखेंगे एम लीनियर, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा एम डी cos theta ये कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू क्या होगा लीनियर, सो ये लीनियर लिमिट, ठीक है। तो ये तुमको वेलोसिटी मालूम चल गया कि कोलिजन के बाद v का वेलोसिटी है, इन बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर कितना होगा अंडर रूट ऑफ जीएस tan theta, theta दिया रहेगा तो समझ लीजिए। और जब ये मालूम चल जाएगा तो V2 मालूम चल गया क्या, अरे V2 किधर गया, देखो यहाँ V2 इक्वल टू क्या होगा, अरे V2 इज इक्वल टू क्या होगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल m V1, और यहाँ V1 का वैल्यू रखो स्मॉल m अपॉन कैपिटल m V2 क्या हो जाएगा लीनियर tan, उसके बाद क्या लिखना है आपने को, अब तो सब चीज मालूम चल गया, अब क्या लिखना है, ई लिखना है, लिखना है ना, इंपल्स कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया तुम लोगों को, एक अभी कितने बार बोला कि जब भी अगली कोलिजन होगा तो दो चीजें ध्यान रखना है, क्या होगा कॉमन टेंजेंट ढूंढो, उसके अलॉन्ग इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा सेम रहेगा, ठीक है। कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग क्या होगा,
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन लिखेंगे या इंपल्स इक्वेशन लिखेंगे। ये तुमको वेलोसिटी मालूम चल गया, v1 v2 क्या होगा ये मालूम चल गया, ठीक है। एग्जाम क्लियर करना हो तो, और नहीं क्लियर करना है तो कोई बात ही नहीं है, टाइम ही टाइम है। अभी अगले साल वेट करो, 8 अटेम्प्ट होगा और हो सकता है 12 अटेम्प्ट भी हो जाए, इस जैन से उस जैन तक एग्जाम देते रहे हर मन। ये ट्रायल होता है कि सब ऑप्शन चेक करते हैं ना, कभी क्वेश्चन दिया रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अरे इससे देख रहे हैं इससे नहीं हो रहा, हम ऐसे ही अटेम्प्ट देते रहेंगे, कभी गलती से एक बार तो आ सकता है। लिख लिए तुम लोग, मैंने बोला ना कि कंपोनेंट कंपोनेंट आना चाहिए, कंपोनेंट में मैं यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये तुमको कंपोनेंट आता है तो फिर दिक्कत नहीं है लिखने में। हो गया, छापो जल्दी रे तुम लोग, वैसे तो 2 घंटे में ही क्वेश्चन होगा है ना, फिर तो सिलेबस 5 ईयर में भी निकल जाएगा है ना। लिख लिए तुम लोग, ई कैसे लिखेंगे चलो बताओ, कौन बताएगा ई कैसे लिखेगा, वैष्णवी ई कैसे लिखेंगे? हाँ वो तो मुझे ही मालूम है, सब लोग को याद होगा, यहाँ क्वेश्चन में वेलोसिटी दिखा गया हूँ, वी1 वी2 का वेलोसिटी भी दिया, अब बताना है तो सब किसी को मालूम। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, चलो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ, पहली के से अलग हो, ठीक है, और एक मिनट रुक जाओ। ये देखो भी अप्रोच का मतलब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ठीक है, कितना होगा बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी, यही समझना है ठीक है, डाउट नहीं है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा ये बताओ, ठीक है, रिवर्स साइन थीटा, आप बोलती जाओ बोलती जाओ, कंफ्यूजन नहीं, आप देखो ये क्या वो कर रहा है, आप यहाँ से देखो, यहाँ सही सही बोल रही हूँ, यहाँ से देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये इधर किस तरह से मूव कर रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, मैंने बताया था ना यार, तो
ए टू कितना हो जाएगा साइन, और ए ऊपर जा रहा है और ये नीचे, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है बैठ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा बी टू साइन थीटा, यही हो रहा है ना, ठीक है फिगर आउट नहीं है ना। अब देखो यहाँ से ई का वैल्यू हम देख सकते हैं, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली है बी वन प्लस बी टू साइन थीटा, ठीक है अपॉन क्या होगा इनट कॉस थीटा, यही होगा ना। और E is equal to क्या लिखेंगे V1 plus V2, और V1 V2 का वैल्यू रखो यहाँ tan theta upon क्या हो गया V1, V1 V2 का वैल्यू रखो, V1 कितना आया है, अरे वैल्यू रखो और बताओ अरे V1 का वैल्यू बताना, इनट tan theta इनर टेन थीटा प्लस स्मॉल एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, तो इनर टेन थीटा, ठीक है। इसके बाद इनटू टेन थीटा अपॉन क्या हो गया इनर, सही है। तो ये हमको दिख रहा है कि क्या आ रहा है, वन प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इनटू टेन स्मॉल, यही आएगा ना, समझ में आया क्या, यही आएगा ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना तुम लोगों को, अभी अब अपने को क्या करना है इंपल्स लिखना है, लिखना है ना इंपल्स, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव में इसका कुछ पार्ट पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में जो भी पूछा जाएगा तो इसको रेशियो में ही रख करके पूछा जाएगा, जैसे हमें ई इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यही ना ई स्क्वायर टेन थीटा ऐसा कुछ तो था। इसमें ऐसे भी तुम चेक कर सकते हो, देखो होमवर्क लिख लेना, ये होमवर्क लिखो, इधर से वी नट वेलोसिटी से स्ट्राइक कराओ और इसको वर्टिकल भेजो, ठीक है यही क्या होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट, देखो ये बॉल है, ठीक है बॉल पे जे का वैल्यू इधर ही लग गया ना, इस बॉल इधर दिखाया कोलिजन के बाद इधर नहीं होगा या ड्यूरिंग कोलिजन ही होगा, तो इधर इंपल्स लगेगा ना यार जे, इसको हम जीवन लिख रहे हैं, समझ में आया ना, जीवन इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ भी इंपल्स लगेगा, कहा यहाँ भी इधर, इस पे इंपल्स किधर लगेगा देखो इधर, इसको जी टू मान लें, समझ में आया ना। अब क्या होगा इसके दो कंपोनेंट होंगे, यदि थीटा है देखो ध्यान से ये 90 माइनस थीटा, ठीक है तो जी वेक्टर लिखे जीवन वेक्टर, जीवन वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, जीवन जीवन साइन थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा जे टू, ठीक है सॉरी जीवन
नहीं है cos थीटा ठीक है सही है क्या? अरे जे जे से कंफ्यूज मत होना, नहीं यूनिट वेक्टर होगा और ये बाय मिस्टेक से एक सब प्रॉब्लम है सिंबल का इसमें ये वेक्टर ले लिया। इसी को हम क्या बोलते हैं x कंपोनेंट और इसको क्या बोलेंगे y कंपोनेंट। हम वैसे भी लिख सकते हैं j1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे jx i कैप प्लस क्या होगा jy j ठीक है। अब तुमको क्या करना है jx लिखना है। अब देखो इस पे तो हमने सिंबल इस पे j ऐसे दिखाया, इस पे किधर लगेगा इधर लगेगा ना। अरे यार नो बॉल पे ऊपर लग रहा है इसकी ये g इक्वल टू क्या होगा यदि यहां नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है तो g का वैल्यू हम मैग्नीट्यूड यदि g1 का वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखा तो n इनटू d के लिए dg क्या है इतने टाइम तक बॉल जो है वो क्या है कांटेक्ट में है। यही होता है ना इंपल्सिव फोर्स इनटू टाइम का इंटीग्रेशन सिंपल लिखे यही आता है ना यार। तो n इस पे किधर लग रहा है ऊपर लग रहा है और बॉल इस पे n किधर लगा रहा है इधर लगा रहा है। यहां इसके दो कंपोनेंट होंगे एक कंपोनेंट इसको क्या करेगा बैलेंस करेगा और एक इंपल्सिव इंपल्स की वजह से क्या होगा ये इधर मूव करेगा। सही बोल रहा हूं या गलत? देखो ध्यान से एक ऐसे लेगा क्या अरे ये 90 माइनस थीटा होगा इधर जे लग रहा है तो इस पे बॉल पे जे कैसे दिखाओगे जी वन साइन थीटा होगा ठीक है और एक इधर ले आएगा क्या होगा जी वन कॉस थीटा। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे बैलेंस कर देंगे तो जी टू इज इक्वल टू क्या होगा जी वन कॉस समझ में आया। और इस पे इंपल्स इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम यही होगा ना यार। तो हम जी वन साइन थीटा इस इक्वल टू लिख सकते हैं मास ऑफ द वेव्स इनटू इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अरे ये होगा ना इंपल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम क्या होता है इंपल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन। तो हमने क्या किया इस डायरेक्शन में जितना इंपल्स लग रहा है दैट शुड बी इक्वल टू क्या होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द वेव्स इन दैट डायरेक्शन ठीक है। तो यहां से देखो समझ में आया यहां से तुमको g1 का वैल्यू मिल जाएगा ये g1 नहीं तो g1 जो करते हो नहीं है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा m v2 अपॉन क्या हो गया sin थीटा के लिए आप अब ये g1 यहां से यहां रख देंगे तो g2 मिल गया तो g2 is equal to क्या हो जाएगा m v2 ठीक है अपॉन m v2 सही है ना अपॉन sin थीटा v2 cos ये आएगा क्या और v1 v2 का तो वैल्यू अपने को मालूम है समझ में आया। ऐसे इंपल्स दिखाते हैं एक में यदि हमने ऐसे दिखाया तो जस्ट दूसरे अर्थ से न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार अरे फोर्स का इंपल्स होता है ना एक पे फोर्स इधर इधर लगेगा उधर ही क्या होता है इंपल्स होता है ठीक है। और ये ऐसे लग रहा है तो फोर्स क्या होगा इसके दो कंपोनेंट होंगे इंपल्स क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी है x x कंपोनेंट y कंपोनेंट जो होने इधर और g का वैल्यू तुमसे कोई पूछे तो n dg लिखोगे ठीक है। यहां यदि कोई पूछे तो यहां नॉर्मल रिएक्शन का कुछ वैल्यू कंसीडर कर लो आप ज्यादा टफ क्वेश्चन सभी में बताऊंगा तो तुम लोगों को बाउंस नहीं जाएगा ज्यादा बाउंस जाएगा तो
सिंपल सिंपल इधर में एक और इधर में जाओ ये प्रॉब्लम है तो है ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा इधर थोड़ा 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 सा इधर थोड़ा बात कर रहा है नहीं सॉरी समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स का मतलब ये नींद नहीं आनी चाहिए कि समझ नहीं है बात है यहाँ से भी तो उधर भी समझ में नहीं है साइंस छोड़ने के बाद और ये आज भी समझ नहीं है कि वो लोग पढ़ाई छोड़ने लगे हैं ठीक है कैलकुलेशन भी इसलिए कई बार देख लेना है ज़्यादा ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को सबसे पहले वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर लो बिफोर कोलिजन
आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को कॉमन नॉर्मल कह लो एंड कॉमन टेंजेंट कह लो, क्या करो रिजर्व कर लो और उसकी बात आपको मालूम नहीं है। ठीक है, इसका देखो आंसर मुझे याद नहीं है तो आंसर हम देख लेंगे। देखो तुमको क्या प्रूव करना है ना, देखो ये एक बॉल, ये है ये बॉल, क्या है दो बॉल है ई एंड बी, बी क्या है रेस्ट में और ई क्या है इससे कोलाइड हो रहा है, नॉन कोलिजन नहीं है, समझ में आया ना, ये कोलाइड हो रहा है, तुमको प्रूव करना है यदि कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा, ये दोनों बॉल जो होंगे राइट एंगल पे मूव करते हैं आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और यदि इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा तो 90 डिग्री से कम पे क्या होंगे, स्केटर होंगे, समझ में आया क्या, स्केटिंग समझते समझते होगा ना, छोड़ स्केटिंग नहीं है, आफ्टर क्या होगा, कोलिजन क्या होगा, एक 90 डिग्री से कम एंगल पे क्या करेंगे, कैसे सोचोगे बताओ तुम लोग, दो मेथड है, एक तो बहुत आसान मेथड है देखने के लिए बाबा और आंसर लिखने का है ना, और दूसरा है कि देखने का और आंसर नहीं लिखने का, तो आंसर बोल देने का, क्वेश्चन समझ में आया क्या, कोलिजन है तो कोलिजन किसी भी टाइप का हो तो उसमें दो पॉइंट हमेशा क्या लिखना है, पहला क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत पॉइंट हम सीखेंगे अभी, है ना, तो ये देखो एक इसको हमने क्या लिखा, जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, बाद में मास मास चलो सेम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ डिग्री कोलिजन, तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है, इधर इसका कुछ वेलोसिटी होगा, ये होगा ए, ये हो गया आई, क्या हो गया बी, यहाँ देखो दिस इज लाइन ऑफ मोशन, दिस इज क्या होगा लाइन ऑफ रे होगा ना, ये कॉमन, इसको हम क्या बोलेंगे कॉमन नॉर्मल, और इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से भी तुमको मैंने बोला ना कि दो मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, ये डिग्री कोलिजन और जस्ट ये ऐसे दिखाओ, डिग्री मत दिखाओ, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर दिखाओ, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो मुझे ये प्रूव कर देना है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन जो इसका वेलोसिटी होगा, यदि इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये कैसे मूव कर जाएगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा, और ये कैसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा, समझ में आया ना, ये पहले जो तुम कॉमन मैं बता रहा हूँ, दो मेथड से मैं बताऊंगा तुमको, कॉमन नॉर्मल और इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया ना, क्या है
कॉमन टेंजेंट टेंड क्या है बाबा? तो तुम ये देखोगे थोड़ा, तुम देखो जस्ट बिफोर कोलिजन, यदि देखो इस एंगल को देखो, मैं यहाँ ये चीज को बता देता हूँ, ये वाला एंगल यदि मैं मान लेता हूँ थीटा, अपने से मान लिया हूँ, कुछ वैल्यू दिया जाएगा तो कैलकुलेट कर सकते, ठीक है? यदि मैं इसको थीटा मान लूँ तो जस्ट बिफोर कोलिजन टेंजेंट के अलावा वेलोसिटी क्या होगा बताओगे तुम? दोनों बॉल का वेलोसिटी अलोंग कॉमन टेंजेंट, ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? विनट कॉस थीटा होगा क्या? विनट कॉस थीटा या विनट साइन थीटा? ये देखो विनट कॉस थीटा या विनट साइन थीटा, देखो ये थीटा है ना, कॉमन टेंजेंट ऐसे होगा ना यार, ऐसे होगा ना, ऐसे नहीं होगा ना यार, तो विनट साइन थीटा होगा ना, तो डाउट नहीं है ना? ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, एक स्टेप में आगे पहले देख लो कितना सीधा, विनट साइन थीटा ये क्या होगा, VA is equal to क्या होगा? Vinert sin theta, और VB क्या हो जाएगा यार? Zero, zero है ना? कोई doubt नहीं है ना? ठीक है? Just after VB क्या होना चाहिए? अरे पहले उसके अलावा जीरो है तो बाद में भी क्या होना चाहिए? अरे बाद में जीरो होना चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि टेंजेंट के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जस्ट आफ्टर कोलिजन बीबी क्या होना चाहिए? जीरो, और बीए क्या होना चाहिए? अरे वही रहेगा क्या? मैंने बताया था ना कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का टेंजेंट के अलोंग क्या होगा? सेम रहेगा। ये कितने बार मैंने बोला है? वही क्या नहीं बोल रहा हूँ, तो ये तुमको ये अंडरस्टूड है कि उधर यदि फोर्स नहीं लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ये समझ में आया? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हम किसके अलोंग वेलोसिटी लिख दिए? कॉमन टेंजेंट के अलोंग। इसे सामना हो गया। अब हम आते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग लिखे या लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। तो वेलोसिटी velocity along line of impact, इधर लिख रहा हूँ just before collision, इससे proof हो जाएगा just before collision और just after क्या होगा, दूसरा method ही बता रहा हूँ, now नहीं चल रहा है, अब कोई इक्वेशन नहीं आ रहा है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका है बी का क्या है बी बी एन सही है क्या? अरे है ना पहले बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या करना है मुझे लिखना है, समझ में आया क्या? आफ्टर कोलिजन क्या करना है लिखना है। ये मैंने बताया था कि यदि कोलिजन इलास्टिक होता है तो वेलोसिटी नॉर्मल के अलावा क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है। बताया था क्या? ये कब बताया था? तो डायरेक्ट इधर लिखते हैं ये जीरो और इसको क्या लिख देंगे? तो तुम देखो आफ्टर कोलिजन ए किधर मूव कर रहा है? इधर, और बी किधर मूव कर रहा है? इधर। दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? राइट। ये कब है? जब इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा तब क्या होगा? 90 डिग्री पे नहीं मूव करेगा, उससे कुछ कम एंगल पर मूव करेगा, मैं बता रहा हूँ जनरली।
ये समझ में आया क्या? तो ऑब्लिक कोलिजन के केस में एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में हो, दूसरा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट उससे इलास्टिकली कोलाइड हो रहा है, तो आफ्टर कोलिजन बोथ द ऑब्जेक्ट विल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये लिखना है बात, ठीक है। सेकंड मेथड में बता रहा हूं, मैं जनरल रिजल्ट बता रहा हूं। ये कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा यार। मैंने मान लिया, अब ये मैंने ये मान लिया कि ये गैस से कोलाइड हुआ, और कोलाइड होने के बाद ठीक है ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है इधर मूव कर रहा है, ये V1 हो गया, और ये क्या हो गया इसका वेलोसिटी क्या हो गया V2 हो गया, ठीक है। यदि मैं इनके बीच एंगल पुट कर दूं कि 90 डिग्री हो गया तो मेरा स्टेटमेंट सही है ना, ठीक है। तो जस्ट पहले वाला जस्ट V2 कोलिजन लीनियर मोमेंटम का कितना है m, ठीक है। लीनियर इज इक्वल टू m, क्या लिखे V1 प्लस क्या होगा V2, सही है। अरे सही है क्या? अब ये कितना हो जाएगा, देखो लीनियर इज इक्वल टू V1 प्लस क्या हो जाएगा V2, ये सब हो गया, कोई डाउट नहीं है। इसको मैं मोड ले लूं, मैं जो मतलब तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं V1 square plus V2 square plus V1 dot V2 लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी गलती से बाई मिस्टेक से देखो मैं क्या करता हूँ, 1/2 मास से फिर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे मेरा मन है मल्टीप्लाई करना, एम वी रेड स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम वन स्क्वायर प्लस 1/2 एम स्क्वायर प्लस वी वन डैश, ठीक है, एम वी वन डैश। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, देखो यहाँ से प्रूफ हो गए, इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसी की इनिशियल गारंटी कहना थी, एंड दिस इज क्या हो गया फाइनल, ए और ए सेम हो जाएगा तो वी डॉट वी वन डॉट वी टू क्या हो जाएगा, अरे जीरो हो गया ना यार, और तो बैक का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया तो वी सेंटर को ले लिए हो गया क्या। अब यदि इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, ठीक है, इलास्टिक होगा और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा, ये सेंस जो होगा क्या होगा, फिर मैथ्स आ गया ना, चल पहले नहीं चलते तो ज्यादा ज्यादा पहले एक सब पैनल को बोल ये हो जाओ क्या, ये मेथड आसान है ना, भी आसान है लेकिन इसमें कंपोनेंट डालना चाहिए और इसमें कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, एक बार देखने का और रट जाने के लिए इसको लिखो पहले गाइस, सॉरी लिखो याद करो उसको, इसमें एक हीरोडो का एक क्वेश्चन हो जाएगा, M1 है M2 है, उनको ये प्रूव कर देना है कि इससे जब कोलाइड होगा तो आफ्टर कोलिजन मैक्सिमम कितना स्कैटर होगा, मैक्सिमम कितना एंगल अपने इनिशियल डायरेक्शन से स्कैटर होगा, आई मीन डेविएट होगा, ऐसे मूव कर रहा है ना, इससे ज्यादा कोलाइड होगा, अभी दोनों का मास सेम नहीं है, अलग अलग है, इसका M1 और इसका M2 है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि इससे कितना मैक्सिमम एंगल लेके आपका डेविएट होगा। मेरा
किया था इसके बाद कॉलेज की दो प्राइम नंबर मिली है और मंडे को मैं रीवर मास पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, इसलिए थोड़ा एक बार पढ़ करके आना। ऐसे लिखने का कि कुछ टाइम के बाद अपने को समझ में नहीं आएगा, मैं भी ऐसे लिखता हूँ। क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख दो, I am given dot equal equal to zero, ठीक है, तो given dot v2 is equal to zero, इसका मतलब क्या हुआ? Given perpendicular to क्या होगा? Hence क्या होगा? Hence it's after just after the collision both particle will move normally to each other। समझ में आया क्या? हेल कब होगा? जब कोलिजन क्या होगा? इलास्टिक होगा। और कौन सा कोलिजन है? ऑब्लिक। हाँ हेड ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है कि टारगेट क्या होना चाहिए? रेस्ट होना चाहिए। लिखा हुआ है पहले से। दूसरा केस क्या कंसीडर करना? कोलिजन केस इन इलास्टिक। सही लिख दिया डायरेक्ट, तुम लोगों को समझ में आया? अरे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा ना यार। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? ज्यादा होगा ना। सही है ना। और वहां से भी देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा? थर्ड लिख सकते हैं जीवन डॉट V2 is greater than 0, सही है?
डाउट नहीं है ना, तो जीरो से बड़ा होगा इसका मतलब एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा क्या, ये कोण समझ में आया है। और थीटा का वैल्यू ठीक है, ये डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ जो थीटा होगा अभी दोनों जो कोण है आपका कोलिजन जब ये मूव करेंगे, एक है मूव कर रहा है और दूसरा क्या है, ये है मूव और ये जो थीटा है, यहाँ एक थीटा इसलिए सर क्या होगा 90 डिग्री और ग्रेट का डेल क्या होगा 0 होगा, जब कोलिजन क्या होगा इलास्टिक होगा और जब इलास्टिक होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को, इसको लिख लो सुंदर से अक्षर में लिखो ऐसे ही है ना, बता
equal to the area of the measurement is equal to m2 upon m1. पढ़ लेना और एचसी करने का टाइम मिले तो तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, और नहीं मिले तो फिर हम बाद में दिखाओ यार। अरे वो तो ऑलरेडी पढ़ाया हूँ ना बैलिस्टिक पेंडुलम, तो आंसर नहीं आया तो फिर क्या देखना उसमें, सही होगा ना फिर, आंसर नहीं आता तब सोचने का ना रे बाबा। ए लिख लो होमवर्क लिख लो रे, तुम लोग होमवर्क तो करते नहीं हो लेकिन लिख लो है ना, तुम लोग भी आदत से मजबूर हो और मैं भी मजबूर हूँ। ए लिखो 30 से शुरू हो जाओ, 30, 31, 32, 33 सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, इधर लास्ट में ही है जो थोड़ा दिमाग यूज करना है, और तो फार्मूला लिखने का और वैल्यू रखने का और आंसर मिलेगा ठीक है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और भी बोल दूं क्या, 39, 46 डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट आई मीन 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 पहले भी बताया हूँ और इसके आगे पहले बोला था तो शायद तुम लोगों ने सॉल्व किया है, और नहीं भी सॉल्व किया हो तो बाद में कर लेना है ना, डाउट भी नहीं हो मतलब डाउट भी हो तो पूछना नहीं। इसके बाद क्या है, तुम लोग का मैथमेटिक्स है ना, और कुछ डाउट नहीं है ना क्या? नहीं अभी फिजिक्स नहीं तो कर रहे हो, अभी तो करंट समझ में नहीं आ रहा, कोई बात है रिवीजन करो तो इधर का भी होगा उधर का भी, इधर तो वो रिवीजन का नहीं है कि मेरे अनुसार पता नहीं तुम लोगों को क्या है, तुम लोगों को जो भी पढ़ाया जा सब चल रहा है, तो ये नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या जरूरत है किसी को भी, मतलब ये हमने दिन तुम बना दिया कि आई तुमको कल से नहीं पढ़ना तो तुमको कल से नहीं पढ़ना, अरे मैं क्यों हो रहा है तो करंट टॉपिक पे कर ही नहीं रहे Thank you.
साइड इलेक्ट्रॉन साइड दैट इज नॉट क्रॉसिंग